It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Mm-hmm. Baby, you special. I can't wait it out tonight. सुबह 7:30 बजे ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. सुबह नाश्ते में बन चुकी है इडली, और ये इडली ऐसी वैसी इडली नहीं है, ये है मूंग दाल इडली, जो कि इतनी बढ़िया बनेगी मैंने सोचा नहीं था. फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बट बहुत बढ़िया से बन चुकी है. जैसे ठंडी होंगी और मैं निकालूंगी ना, तो आपको पक्का दिखाऊंगी कि क्या बढ़िया बनी है. चाकू की मदद से बहुत प्यार से नीचे की तरफ थोड़ा घुमाना है एंड ये इडली निकल जाएगी. ये देखिए, स्पॉन्जी परफेक्ट इडली, जो कि बहुत आसानी से बन गई और निकल भी गई. बहुत गर्म है. वाओ. इसे सुलाया था यहाँ पर, देख रहे हो, दो तकिया, तीन तकिया का प्रोटेक्शन देकर ये ऐसे घूम गई है. कैसे मुझे खुद नहीं पता. यहाँ सपोर्ट दिया जा रहा है इन नन्हे 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 बेलों को. रास्ता दिखाया जाता है. रास्ता देखो वो पुन्ना. ब्रेकफास्ट कर लो बेबी, वो देखो मैंने रखा है. सुबह की ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा में पढ़ाई थोड़ी अच्छी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है और अनिका को भी लगता है. Wait for me, girl. Yeah, 'cause now you did cross my mind. Would you wait? Wait for me, girl. I know ain't no distance, ain't no time to get me back. सारे काम हो चुके हैं, मतलब नाश्ता पानी ये वाले घर के, तो झाड़ू पोछा वाले काम चल रहे हैं, डस्टिंग का काम चल रहा है, और ये क्यूटी पाई का मैं मसाज कर रही हूँ, इसका मसाज टाइम चल रहा है. ये भी सुबह बराबर जैसे नाश्ता हुआ वैसे ही उठ गई थी. Colorful eyes, I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over, over, over. Just tell me, mama. I'm trying to keep it in sober. Morning समय पर इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि आप सब जानते ही होंगे. और इस बीच ना, अगर मैं अनीशा को ब्रेस्ट फीड करवाने का सोचूं भी ना, तो मेरे लिए टफ हो जाता है. और उस समय ना मेरे लिए ये टॉप फीड ही काम आता है, और मैं उस समय अनीशा को टॉप फीड ही देती हूँ. इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो वगैरह शूट कर रही होती हूँ और उस समय मैं अनीशा को अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती हूँ, तो राज जो है उसे टॉप फीड दे देते हैं और वो फिर आराम से रह पाती है. स्टार्टिंग में मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सा मैं टॉप फीड दूँ अनीशा को, जिसका ब्रांड बेस्ट हो और जिसके इंग्रेडिएंट्स हेल्प करे मेरी बेबी के ग्रोथ में, साथ ही उसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव हो, और सबसे इम्पोर्टेंटली उसे सूट भी करे. तो टॉप फीड रेडी है. टॉप फीड देते समय सबसे पहला मेरा कंसर्न यही था कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और जो भी बेबी का स्टूल हो वो सॉफ्ट पास हो. एंड देन फाइनली आई फाउंड आप्टा मिल्क गोल्ड इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क. ये मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने भी रिकमेंड किया था. वैसे ये फॉर्मूला मिल्क अनीशा को बहुत अच्छे से सूट करता है. अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता कि सूट करता है, तो मैं बता दूँ आज तक इसने कोई भी कॉन्स्टिपेशन फेस नहीं किया है, और बहुत ही अच्छे से अपना जो स्टूल है इजीली सॉफ्टली पास करती है. और इतना ही नहीं, बेबी की ग्रोथ भी बहुत सही हो रही है एज़ पर वीकली हेल्थ गोल्स. इनफैक्ट अभी तक मैंने बेबी के साथ कोई भी इन्फेक्शन प्रॉब्लम भी फेस नहीं किया है. वैसे भी ट्रस्टेड ब्रांड एंड हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होना, तो हम सबका जो वो टेंशन रहता है ना अंदर ही अंदर,
वो ख़त्म हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो मेरी बेबी को प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी सब कुछ सही मात्रा में मिल रहा है। एप्टा मिल्क गोल्ड इन्फेंट फॉर्मूला मिल्क बहुत इजीली मेडिकल शॉप एंड ऑनलाइन मिल जाता है। दूध पीते पीते अनीशा सो गई है, अब ये सो गई है तो बचा हुआ मेरा जो भी रूटीन है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आज मुझे अपना जो मोबाइल मैंने रिपेयर करने के लिए दिया है वो लेकर आना है, वो रिपेयर हो चुका है। रात में ही फ़ोन आ गया था 8 बजे कि आप आकर ले जाओ, तो रात को 8 बजे नहीं जा सकते थे, अनिका की एग्ज़ाम चल रही है, आने जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर पर मैंने रिपेयर करने के लिए डाला था, क्योंकि कहीं हो ही नहीं रहा था, वहीं पर हो रहा था। तो कल हमने सोचा कि नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे घर से बाहर, अनिका जब चली जाएगी अपना एग्ज़ाम देने के लिए उस बीच में हम जाकर मोबाइल ले आएंगे, और उसी बीच में हमें हमारा जो गैस सिलेंडर है उसे भी ट्रांसफ़र करना है। वो हमारे पुराने एड्रेस पर था तो नए एड्रेस पर अभी हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। बहुत क्विकली मैं नहा कर आई हूँ और उसी में मैंने बाल भी धोए हैं। सो ये जो टॉप है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत, ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत इसका सूदिंग सा कलर है, पर मैं इसे अभी तक नहीं पहनी हूँ जब से अनिशा हुई है, क्योंकि मेरे अंदर एक डर है कि ये इस तरह का एकदम लाइट कलर का है, वाइट कलर का है, तो कहीं इस पर दाग ना लग जाए, अनिशा कुछ लगा ना दे। पर आज मैं इसे पहनूंगी और उस डर को मिटाऊंगी, क्योंकि ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पकड़ कर रखा हुआ है कि नहीं 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 दाग तो लग ही जाएगा, दाग तो लग ही जाएगा, तो चाहे आज दाग लगे या जो हो पहन कर ही जाऊंगी। सब गिरा दिया है मैंने अपना स्किन केयर वगैरह, कोई नहीं तो पहन कर दिखाएंगे और दाग नहीं लगाएंगे। माय कुकीज़ यार, थोड़ा लेट हो गई आज मेरी कुक, पता नहीं पूरा खाना बन भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि 10:30 तक निकल जाना है और वो अभी 10 मिनट पहले ही आई है, तो आई एम नॉट श्योर खाना बन पाएगा कि नहीं, या फिर मुझे आ कर लौट कर बनाना पड़ेगा, क्या होगा पता नहीं। गीले बालों को अच्छे से कंघी कर लिया है, ये अपना सूख जाएंगे, इनको सुखाने का समय नहीं है और हेयर ड्रायर भी यूज़ करने का समय नहीं है। जाने से पहले पूजा कर ली है मैंने। आज मौसम बहुत खुला हुआ है, कॉटन क्लाउड्स आप देख पा रहे हैं मेरे घर से, कितने क्रिस्टल क्लियर सब दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। आज विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत दूर दूर तक का दिख रहा है। पेड़ों के नज़ारे तो मैं आपको सुबह सुबह ही दिखा चुकी हूँ, क्योंकि इतने बढ़िया ब्लूमिंग जो इनमें चल रही है। साथ ही साथ राज ही तैयार नहीं हुए हैं लग रहा, नहा धो तो चुके हैं पर उनका ऑफिस की इतने फ़ोन कॉल्स गए हैं, अभी तैयार होने लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नहीं है। अनिशा को क्यूट क्यूट चिड़िया यहाँ से खूब सारी दिख रही है, तो उन्हें देखने में इसे बहुत मज़ा आ रही। गए हैं राज मेरा मोबाइल लेने, हम लोग गाड़ी में ही खैर बैठे हुए हैं क्योंकि कहाँ बाहर जाए। हाँ गुचू पूचू चूचू सी, कैमरा देखो, इसने भी कैमरा देखा नहीं है, बड़ा इसे पकड़ कर रखना पड़ता है। एक कार सीट लगा तो दी है पर उस पर हमने देखो क्या रखा है, बैग रखा है। देखो नहीं देखती हो, इसका ध्यान ही नहीं है कैमरा पर, क्योंकि इसको देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ले अब ध्यान गया, आ ध्यान जाते ही कैमरा चाहिए। परफेक्ट, स्कैन गार्ड भी लगवा दिया। अरे वाह, जिस चीज़ का डर था वो हो गया है। इस मैडम ने यहाँ पर पूरा मेरा टॉप जो है पूरा गंदा कर दिया है, मतलब ऐसा गंदा किया कि मैं ये खुरुच के भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि इसने जो पफ खाए है ना, वो पफ गीले कर करके अपने भी कपड़ों पर लगाए, मेरे भी कपड़ों पर लगाए, अपने तो गंदे किए ही और मेरे भी किए हैं। हाँ इसलिए मम्मा ये टॉप नहीं पहन रही थी, पता तुमको, इसीलिए तो अभी राज गए हैं गैस का हमारा एड्रेस चेंज करने, तब तक हम अगेन गाड़ी में बैठ गए हैं। मोबाइल मिल तो गया है पर अभी उसको सारा जो बैकअप मैंने लिया था ना वो रिस्टोर करना है मोबाइल में वापस, तो वो घर पर आराम से करेंगे। क्या हुआ मम्मा? मम्मा किधर है मम्मा? मम्मा बता दो, मम्मा मम्मा
इसके बाद हम जाएंगे अनिका को लेने, उसका 1 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। अभी 12:30 बजने में 3 मिनट बाकी है। अनिका फाइनली व्लॉगिंग फ्रॉम माय कैमरा, मोबाइल कैमरा गाइस। पता नहीं क्यों क्वालिटी का थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है, पर इस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है। ये बिना सपोर्ट के खड़ी है गाइस, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ओ गॉड, मम्मा रे क्यूटी पाए, क्यूटी पाए। ये देखो, ये देखो, ये फुल उसको अभी एक्साइटमेंट आ गया। वो पेट सर्जरी कर रही है। मम्मा की पेट सर्जरी हो रही है। ये क्या करना चाह रही है, कैसे करे? अरे शर्म भी आ जाती है गाइस, और शर्म देख कर शर्माई है। इसने कल से चालू किया ना, गिर गई। इस लड़की को ना वीडियो का चस्का लग गया, बोल रही वीडियो बनाती रहो। और ये अभी लिटरली खड़े होकर एक स्टेप भी लिया इसने। मुंह दबा के खड़े होना है। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, मुझे भी नहीं पता। एक छोटी सी पार्टी करने वाले हैं, आइसक्रीम पार्टी, जिसमें ये भी खाएगा। इसको भी स्पेशल आइसक्रीम मिलेगी विदाउट शुगर वाली। इसके दांत कब आएंगे गाइस? ये 10 महीने की हो चुकी है, पर नो दांत एट ऑल, दूर दूर तक कोई दांत नहीं है इसके। खड़ी हो जाओ। अभी नहीं, अपने मूड से खड़ी होगी और चलेगी भी अगर मन करे तो। एक तो फोन बहुत आ जाते हैं ना, तो आ जाते ये इसी में हम लोग रह जाते हैं। अभी सब कले मैं भूल चुकी हूँ, अभी इससे वनीषा दिखती है। सब सबको भूल चुकी है, इसको सिर्फ वनीषा दिखती है, ऐसा बोलना है ना? हाँ। दादा बोल रही है, दादा। आइसक्रीम पार्टी गाइस, आइसक्रीम्स आ गई है, मैंने एक एक बार इन्हें वॉश भी कर लिया है, और ये आइसक्रीम बाद में खाएंगे, इसे फ्रीजर में रख दिया जाए। ये वाली आइसक्रीम हम खाएंगे। एक चम्मच ले लूँ अनिशा के लिए, ये मैंने मंगवाई है जिसमें नो शुगर एट ऑल, थोड़ी सी ही दूंगी, 2-1 चम्मच बस। गाइस नीचे आओ, नीचे नीचे चटाई बिछाई हुई है, नहीं तो गंदा मच जाएगा, नीचे आओ। यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन इसका लेंगे हम। देखिए ये खुद ही खाना चाहती है, अरे वाह, खुद ही खाना चाहती है बच्ची मेरी, अरे वाह। ये बेस्ट है तरीका आइसक्रीम खाने का, वाह, ये बेस्ट तरीका आइसक्रीम खाने का है। ये लोग, मेरी तो टूटी आई यार। ओहो कोई बात नहीं, 2 चम्मच खाने के बाद बच्चा खुद ही उसमें डुबो डुबो के खाना चाह रहा है, पर क्या करे, मम्मा ने ढक्कन लगा दिया है। Only 2 spoons बच्चू, सोच रही कहाँ से निकालूँ मैं, अभी चम्मच में जो लगा वही निकाल रही है, देखना अभी कैसे निकालेंगे। इनोसेंट बच्चे के लिए यहाँ पर रेड पास्ता बना दिया मैंने, और ये जो पीछे से बच्चा चिल्ला रहा है इसके लिए मैंने व्हाइट पास्ता बना दिया है, एकदम चीज एंड पास्ता के साथ। रुक जाओ, दे रही हूँ भाई, इतना अच्छा लग गया है मुझे पता है। ये लो, मैंने इसके लिए ये व्हीट पास्ता बनाया, डोंट वरी, इसमें कुछ ऐसा डाला नहीं है, वेजीज है, थोड़ा बटर है सॉटे किया है, और थोड़ा सा चीज़ डाला है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और बाकी फिर रेड पास्ता उसके लिए बना दिया। तो ये अनिशा अप्रूव पास्ता है भाई, अच्छा लग रहा है। देखो मेरे बर्तन वाले ने कहाँ पर बर्तन धुल कर रख दिए, वाह। उधर नहीं जाना, वापस आओ, वापस आओ, नहीं चुप जाएगा बेटा वो, वापस आओ, वापस आओ मेरे बच्चू। हाँ आओ, पास्ता खाएंगे हम, पास्ता खाएंगे, कम 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 कम, नहीं आओगी ना, मानो
मानोगी नहीं तुम अपनी जिद करोगी। आ जाओ मेरा बच्चे, कम बच्चे, कम कम कम। छतु आओ, छतु पानी पीना। सूरज ढलने वाला समय हो चुका है और बहुत ही प्यारा नजारा है इस समय मेरे बालकनी से। कलर की वो जो शेडिंग है वो देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है। भगवान जी का दिया जल रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ पर अभी मैं डाल दूँगी खटिया, ये मेरे पीछे जो स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पर हम लोग खटिया डाल देते हैं और फिर बढ़िया से लेट कर इस समय का आनंद लेते हैं। इस समय हल्का ठंडा भी हो जाता है, बहुत अच्छा नज़ारा लगता है, बहुत अच्छा सा फील होता है। ये किस चीज़ का धुआँ उठा है यहाँ पर, देखिए किसी चीज़ का धुआँ निकल रहा है, किस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। ये खटिया हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ओके ओके आई है। एक खटिया हमें जाकर ना दुकान में जाकर ख़रीदनी है, क्योंकि यहाँ पर ना फोल्ड करने वाली ही चीज़ चाहिए, क्योंकि स्पेस अगर ख़त्म हो गया ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग इस खटिया को इधर उधर बिछाते रहते, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, जहाँ पर भी मन चाहे। और बहुत मज़ा आता है, मुझे नहीं पता था इतना मज़ा आता है खटिया के साथ। इधर मत आओ भाई, इधर हल्का गीला भी मैंने पोछा, जो आपसे बात करते समय मैंने पैरों से पोछा है, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये स्पेस। इनफैक्ट हमारे घर में जो भी आता है उन सबको ये स्पेस बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, ये देखिए पेड़ पौधे कैसे बढ़िया से हिल रहे हैं, बहुत बढ़िया वाली सूदिंग कामिंग ऐसी हवा चल रही है। डिनर में पनीर बन रहा है, मसाला मैंने पीस लिया है। ये बच्ची भी सोकर उठ गई है, क्या करने आई थी ये यहाँ पर, हाथ धो लो। बनियाइन वाली लड़की, बस कुछ और दिन बनियाइन पर घूम लो, उसके बाद तो ठंड आ जाएगी, फिर मोटे मोटे कपड़े पहनना है मेरे बच्चों को। ये देखो कॉम्बिनेशन, डायपर इतना अच्छा बनियाइन देखो। प्यार आ रहा है दीदी पर, प्यार आ रहा है, प्यार आ गया। अरे 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 वाह, प्यार आ गया, बहुत प्यार आ गया। पनीर पड़ गया है मसाले में, ये मैं कौन सा पनीर बना रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। हाल बड़ा बुरा सा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों चेहरे पर पूरा थकान दिख रही है। आज खाने में पनीर, आलू फ्राई नहीं है, आलू रस्से वाली, और थोड़ी सी हरी मिर्ची एंड राइस, बस। आज इससे ज़्यादा खाना डिनर में बन नहीं पाया, और गरम गरम चावल और पनीर भी खाने में मज़ा आ जाता है वैसे। अच्छा बना, हाँ आंवले की चटनी भी तो है, आंवले की चटनी। इग्नोर करिएगा, बहुत तेज़ी से जो राज टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, उनका ये समय है, 10 बज गया फिर भी देख रहे हैं। ये अपने ट्रायल्स कर रही है नवरात्रि के लिए, अनिका अपने ट्रायल्स कर रही है और मैं भी अपने ट्रायल्स कर रही हूँ, और कपड़े यहाँ पर है सारे। तो नवरात्रि में 9 दिन कौन से कलर किसको कितने फिट हो रहे हैं, कितने क्या करना है। कलर नहीं था जैसे नेवी ब्लू, तो ये अच्छा लग रहा है, रख रही हूँ, बाकी वो सब मेरे को अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, और ये देखो, ये बता रही मेरे को भी इसको ये पहनना है, और ये देखो पहनने के लिए फुल कोशिश चल रही है, फुल कोशिश पर पहन पा नहीं रही है। अब इसे कौन समझाए कि ये मम्मा का ड्रेस है, ये इसका नहीं है। मेरे को नहीं आ रहा, तुमको क्या होगा निशा? ये देखो फुल अपना, हाँ नहीं हो रहा, ये भी फुल शौकीन है कपड़ों की। इसका इतना देर से स्ट्रगल चल रहा है कि ये कैसे मैं पहनूँ, और इसको ये कलर बहुत प्यारा लगा है, और स्ट्रगल देखो, फुल स्ट्रगल, पहन लिया मेरा बाबू ने, ये पहन लिया। नकली पहना दो यार, नकली पहना दो यार, बेचारी बड़ी परेशान हो गई है कि नहीं पहन कर। नाइस, वेरी नाइस, ये कौन सा है नेट, वेरी प्रिटी। देखा वेरी प्रिटी बोलने से कैसे समझ में आ रहा है कि इसको वेरी प्रिटी बोला। देखो स्ट्रगल देखो, और यहाँ पर और कपड़े हैं, वो नहीं ये ही पहनना है, बहुत देर से डिजाइन बना है ना, बहुत देर से परेशान है कि कैसे पहनूं। तो बस ये व्लॉग आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं, सारे कपड़े समेटने भी है, इसे भी नाइट सूट वगैरह पहनाना है, और अनिका बस अपने लिए अभी देख रही है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। अच्छा एक श्रग दिखा रही है जिसे वो बहुत पसंद आ गया है, तो मैंने बोला दिखा दो भाई तुम्हारे भी देख रही, और ये जो है उसे दिखाने नहीं दे रही है।
चलिए ये व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ, एंड देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।